हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न जीव विज्ञान से है। यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं, कक्षा 10 के लिए यह वीडियो है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम तथा कार्य बताइए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर आपको लिखना है कुछ इस तरह से कि लार में टाइलिन या एमाइलेज नामक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या लिखना है? लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद आगे लिखेंगे, यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद आगे लिखेंगे, यहाँ से लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम यानी कार्य, उसमें कार्य बताइए। तो कार्य आपको लिखना है, लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थित में मंड या स्टार्च मल्टोस शर्करा में बदल जाता है। जो इसमें यह बताया गया कि लार में जो उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम होता है कि उपस्थित में मंड या स्टार्च मल्टोस शर्करा में बदल, किसमें बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है। तो ये था लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम तथा कार्य बताइए। ये प्रश्न आपसे पूछे तो आपको इस तरह से उत्तर आपको लिखना रहेगा। 2 नंबर का यह प्रश्न है, तो कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2020 में अधिक से अधिक संभावना है कि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।